हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 17th डे की शुरुआत। क्या है मिरेकल सीरीज, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो के थ्रू मेरे से जुड़ रहा है वो ऑब्वियसली जानना चाहेगा। तो मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं 60 डेज के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं भगाने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टॉपिक्स स्किप करते हुए पढ़ाने वाला हूँ, और इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको प्रॉब्लम्स कम सॉल्व करते हुए पढ़ाने वाला हूँ। सब कुछ करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, बट फिर भी 60 दिन के अंदर फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि आपको कोई नहीं बताएगा, बट रियलिटी है कि फिजिक्स जो है, कम से कम क्लास 12th की जो फिजिक्स है वो केवल और केवल 60 दिन की ही डेडिकेटेड मेहनत डिमांड करती है। तो 60 दिन मेरे साथ साथ इस मिरेकल सीरीज का हिस्सा बनो, और फिर आपको पता चलेगा कि इस सीरीज का नाम मैंने क्यों मिरेकल सीरीज रखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सेकेंड बुक का जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, उसमें से उठाया है अपनों ने टॉपिक, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांजिस्टर्स एंड एम्पलीफायर्स। तो ट्रांजिस्टर की पूरी बेसिक से हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर्स होते क्या हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरीके से उनको एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया जा सकता है, उसके जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। हमारी सीरीज़ का टारगेट क्या है? ये कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज़ नहीं है। इसमें हम बेसिकली फिजिक्स का जो फियर है आपके दिमाग के अंदर उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। 60 दिन में मुझे आपके फिजिक्स का डर ख़त्म करना है, और एक बार वो डर खत्म हो गया तो आप अपने आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट भी फोड़ दोगे, और जेई मेन्स का एग्जाम भी फोड़ दोगे। तो आप इस सीरीज को किस एग्जाम के लिए यूज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है अगले 60 दिन में आपको ये एहसास दिलाना कि फिजिक्स बहुत आसान है और फिजिक्स एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो इंट्रोडक्शन के लिए काफी है, मिरेकल सीरीज का काफी अच्छा इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और उसको कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाया जा सकता है। लोगों को ट्रांजिस्टर नाम सुन के ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस होगी, है ना। ट्रांजिस्टर नाम सुनते हैं ऐसा लगता है दिमाग के अंदर आता है, ठीक है ना। लेकिन और नॉर्मली जो पहले के जमाने में जो रेडियो आया करते थे ना, उनको लोग नॉर्मली ट्रांजिस्टर ही बोला करते थे, तो लोगों के दिमाग में कहीं कहीं वो भी पिक्चर आ जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एज ए डिवाइस अगर अपन ट्रांजिस्टर की बात करें तो एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है। जैसे डायोड के अंदर एक पी टाइप मटेरियल था, एक एन टाइप मटेरियल था, और उन दोनों को मिला के हमने एक पीएन जंक्शन बनाया था। ट्रांजिस्टर के अंदर हमारे दो पीएन जंक्शन होंगे, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जैसे ही मैंने बोला कि ट्रांजिस्टर के अंदर दो पीएन जंक्शन होंगे, तो आप अपने आप ये दिमाग लगा सकते हो कि हमारे दो तरीके के तो कम से कम ट्रांजिस्टर होने ही चाहिए। सो अ ट्रांजिस्टर हैज टू पी एन जंक्शंस, एंड दैट्स वाई टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कैन बी डिफाइंड। तो दो पी एन जंक्शन बनाने अपनों को, है ना। तो एक तो अपन कैसे बना सकते हैं, हम एन मटेरियल लें और पी मटेरियल लें, तो ये पहला वाला जंक्शन क्रिएट हो गया। फिर एक एन मटेरियल यहां पर ले लें तो ये हमारा दूसरा वाला जंक्शन क्रिएट हो गया। यानी कि साइड्स में हम एन लें और बीच में हम पी को सैंडविच कर दें, तो अपने आप ही आपके दो जंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे और हमारा जो ट्रांजिस्टर बनेगा, हमने कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, इसका नाम भी हमने क्या रख दिया, एन पी एन ट्रांजिस्टर। सिमिलरली अगर हम दो पी टाइप मटेरियल्स के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को सैंडविच कर देते हैं, तो जो ट्रांजिस्टर बनता है उसको अपन बोलते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब आप यहां पर जो डायग्राम देख रहे हो ना ट्रांजिस्टर का, उसके अंदर आपको कुछ खास चीजें नजर आ गई होंगी। आपको एक तो नजर आ गया होगा कि जो एक एन टाइप मटेरियल है उसको एमिटर बोला जा रहा है, और जो दूसरी तरफ एन टाइप मटेरियल है उसको कलेक्टर बोला जा रहा है। दोनों सेम टाइप के मटेरियल हैं, बट एक का नाम हमने रखा है एमिटर और एक का नाम रखा है हमने कलेक्टर, और जो बीच में सैंडविच्ड पोर्शन है उसको हमने नाम दिया है बेस। सिमिलरली पीएनपी के केस में एक पी टाइप मटेरियल एमिटर, दूसरा वाला पी टाइप मटेरियल कलेक्टर, और जो बीच वाला सैंडविच्ड पोर्शन है वो कहला गया हमारा बेस। तो इनका नाम क्यों एमिटर बेस कलेक्टर रखा गया है वो आपको भी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा, बट कम से कम आपको ये चीज़ नोटिस हो जानी चाहिए कि यार इन तीनों का काम अलग अलग है, शायद इसीलिए इनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। और दूसरी बात आपको क्या नोटिस हो रही है, दूसरी बात आपको ये नोटिस हो रही है कि हमारा जो ये सैंडविच्ड पोर्शन है ये बहुत पतला है बाकी के दो पोर्शंस के
कंपैरिजन में। इसको क्यों पतला रखा जाता है और इसकी क्या खासियत होती है जो कि इनको बाकी दो से अलग बनाता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं। अब हम ट्रांजिस्टर का बार बार इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने ट्रांजिस्टर के लिए बनाया है एक सिंबल, और उस सिंबल का काम क्या है जो कि ट्रांजिस्टर के बारे में हमें सब कुछ बता दे। तो ऐसा कुछ ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, उसमें ये वाली जो पोर्शन है ये तो बेस को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बेस से एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, एक एमिटर को रिप्रेजेंट करेगी, एक कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। अब कौन से एमिटर को रिप्रेजेंट करेगी और कौन सी वाली कलेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, ये बात डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यूज़ किया है सिंबल ऑफ एरो। तो जिस लाइन के ऊपर एरो लगा हुआ होता है वो हमेशा एमिटर वाली लाइन होती है ना, हमेशा बेस से एमिटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है जिसके ऊपर एरो लगा हुआ होता है। तो अब हमें पता पड़ गया कि ये वाली जो लाइन है ये एमिटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन है ये भी एमिटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। साथ ही साथ में एरो जो है ना उससे हमें ये भी पता पड़ जाता है कि हमने जो सिंबल बनाया है वो NPN ट्रांजिस्टर है या फिर PNP ट्रांजिस्टर है। तो एरो जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड होती है, अगर अपन करंट के फ्लो की डायरेक्शन ले तो, ठीक है ना। तो ये जो एरो है ये हमें बताना चाह रही है कि ये वाला हिस्सा पी है और ये वाला हिस्सा एन है, और क्योंकि एमिटर और कलेक्टर सेम टाइप के मटेरियल होते हैं तो ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये वाला सिंबल हमारा कौन से वाले ट्रांजिस्टर का हो गया, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। वही बात करें इसकी, तो इसकी एरो हमें क्लियरली ये दिखाना चाह रही है कि ये वाला पोर्शन पी है, ये वाला पोर्शन एन है और ये वाला पोर्शन पी है। तो ये हमारा कौन सा वाला ट्रांजिस्टर हो गया, PNP ट्रांजिस्टर हो गया। तो ट्रांजिस्टर के अंदर तीन पोर्शन होते हैं, दो सेम होते हैं, बीच में अलग तरीके का पोर्शन सैंडविच किया जाता है, दो अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाए जा सकते हैं, उन दोनों के सिंबल्स कैसे होते हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये जो काम है ना ये भले ही आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये ही बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा काम है। बहुत सारे बच्चे इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को नहीं सॉल्व कर पाते। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि कम से कम ट्रांजिस्टर और उसके सिंबल को आप अच्छे से जानने लगो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब अपन ट्रांजिस्टर के अंदर चलते हैं। तो ट्रांजिस्टर के अंदर हमने देखा था तीन पोर्शन थे, एक को हमने नाम दिया था एमिटर, एक को नाम दिया था बेस और एक को नाम दिया था हमने कलेक्टर। जो एमिटर है वो हाईली डोप्ड होता है, उसके अंदर लेवल ऑफ जो डोपिंग होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें जो मेजॉरिटी कैरियर से वो एमिट करवाने हैं, मतलब बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स हमें वहां से बेस के अंदर पहुंचाने होते हैं। तो बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स हमें तब मिलेंगे जब हम लेवल ऑफ डोपिंग जो है वो काफ़ी हाई रखेंगे। साथ ही साथ में इसकी जो साइज़ होती है वो मॉडरेट होती है, मतलब ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। फिर दूसरा पोर्शन था हमारा बेस, ये बहुत लाइटली डोप्ड होता है, बहुत लाइटली डोप्ड होता है। इसका केवल और केवल काम क्या है, दो जंक्शंस बनाना, इधर वाले पी के साथ इधर वाले पी के साथ, या इधर वाले एन के साथ इधर वाले एन के साथ। इसका काम केवल और केवल इतना है ताकि आपके डिवाइस के अंदर दो जंक्शन हो जाए। इसमें लेवल ऑफ डोपिंग बहुत कम रखी जाती है, साथ ही साथ में इसकी जो साइज होती है वो भी बहुत थिन होती है। इसका कारण जो है ना एग्जैक्ट प्रिसाइज रीजन है वो आपको अभी थोड़ी देर बाद में और अच्छे से पता चलेगा, ठीक है ना। और तीसरा वाला पोर्शन है हमारा कलेक्टर, ये मॉडरेटली डोप्ड होता है, मतलब इतना लाइट भी नहीं होता जितना बेस है या इतना हाईली डोप्ड भी नहीं होता जितना एमिटर है, बीच का कहीं होगा, ठीक है ना। बट इसकी साइज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि इसको कलेक्ट करना है ना, बहुत सारे चार्ज कैरियर्स को अपने घर पे मेहमान बना के कलेक्ट करना है, तो इसकी साइज जो है वो बड़ी रखी जाती है, ठीक है। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ना, इसकी साइज और इसकी साइज के अंदर हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा, और ये तो आपको दिख ही गया बिल्कुल, बीच में बेचारा पतला सा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। डोपिंग जो है वो हमने एक्सटर्नली मेंशन कर दी, वो आपको ध्यान में रखनी है कि हाँ यार एमिटर की डोपिंग बहुत ज़्यादा है, बेस की बहुत कम है और कलेक्टर की सबसे कम है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर तीनों पोर्शंस का डिफरेंस जो है वो हमें पता पड़ गया। अब आपको ये भी पता पड़ गया कि भले ही एमिटर और कलेक्टर सेम टाइप के मटेरियल से ही क्यों ना बने हो, उन दोनों के काम जो है वो आपस में इंटरचेंज नहीं किए जा सकते। मतलब एमिटर कलेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता और कलेक्टर एमिटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की साइज अलग अलग है, दोनों के अंदर जो डोपिंग का लेवल है वो अलग अलग है, ठीक है। एमिटर एक अलग तरीके का काम कर रहा है, कलेक्टर एक अलग तरीके का काम कर रहा है, भले ही दोनों सेम टाइप के मटेरियल से ही क्यों ना बने हो, ठीक है ना। तो आप इनको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब
हम देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के अंदर तीन इलेक्ट्रोड्स हो गए, तीन टर्मिनल ट्रांजिस्टर से बाहर आ रहे हैं। एक आ रहा है हमारा एमिटर से, एक आ रहा है बेस से, और एक आ रहा है कलेक्टर से। तो ये जो तीन टर्मिनल्स हैं, या यूं कह लो दो जंक्शंस हैं हमारे, एक तो एमिटर और बेस को मिला के जंक्शन बन रहे हैं और एक कलेक्टर और बेस को मिला के जंक्शन बन रहे हैं। तो एमिटर और बेस वाला जो पीएन जंक्शन है उसके ऊपर हम फॉरवर्ड या रिवर्स बायस अप्लाई कर सकते हैं, और कलेक्टर और बेस से जो जंक्शन बन रहा है उसके ऊपर भी अपन फॉरवर्ड या रिवर्स बायस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे टोटल चार केसेस बन रहे हैं, और उन चारों केसेस में ट्रांजिस्टर का बिहेवियर जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। तो पहले उन चारों केसेस को क्या नाम से जानते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो अगर हमारा एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस हो तो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन स्टेट के अंदर कहलाता है। अगर एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट के अंदर कहलाता है। अगर एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स में और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में हो, उल्टा हो गया सेकंड केस का, तो आपका ट्रांजिस्टर इनवर्स स्टेट के अंदर कहलाता है। ये सबसे वर्स्ट स्टेट है, कभी भी ट्रांजिस्टर को इस स्टेट के अंदर ऑपरेट नहीं किया जाता। और अगर एमिटर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस के अंदर हो और कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस के अंदर हो तो फिर ट्रांजिस्टर किसी भी प्रकार की करंट ड्रॉ नहीं करता, और उसको अपन बोलते हैं कट ऑफ स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ऐसी चार स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे जब ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट के अंदर होता है तो उसको एज एन एम्पलीफायर यूज़ किया जा सकता है, और जब ट्रांजिस्टर सेचुरेशन और कट ऑफ स्टेट के अंदर होता है तो उसको एज ए स्विच यूज़ किया जा सकता है। हमारे सिलेबस में ये दो ही एप्लीकेशन है, अदरवाइज ट्रांजिस्टर की बहुत सारी एप्लीकेशंस है, हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि इसका नाम जो है ना वो ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया है। बड़ा अजीब सा नाम है ना, क्यों रखा गया ट्रांजिस्टर नाम, ये अपन देखते हैं, ठीक है ना? तो हम एक ट्रांजिस्टर उठा लेते हैं, जैसे हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर उठा लिया, एमिटर पी टाइप, बेस एन टाइप और कलेक्टर पी टाइप। एमिटर बहुत हाईली डोप्ड है, तो यहां पर आपको देखो बहुत सारे होल्स दिखाई दे रहे हैं, मेजोरिटी कैरियर्स। कलेक्टर भी हाईली डोप्ड है, मतलब इतना हाई नहीं है बट फिर भी डोप तो है। और बेस जो है वो बड़ा लाइटली डोप्ड है, तो बेस के अंदर देखो आपको केवल और केवल कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाई दे रहे हैं जो कि बेस के लिए मेजॉरिटी कैरियर्स है, ठीक है? तो ये हमारे ट्रांजिस्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर हो गए। आपने जो पी टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के हायर टर्मिनल से, और जो एन टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करा है। इसका मतलब एमिटर बेस जंक्शन पर आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई करिए। ऐसे आपने कलेक्टर के पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और बेस के एन टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। तो हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस के अंदर कनेक्ट किया है, यानी कि हम इस ट्रांजिस्टर को अभी किस स्टेट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, हम एक्टिव स्टेट के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखो होता क्या है एक्टिव स्टेट में, क्योंकि आपका एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता था तो क्या हुआ करता था, आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो पहुंच जाया करते थे दूसरे वाले पंक पोर्शन में, मतलब जंक्शन के अक्रॉस मूवमेंट जो है वो चालू कर दिया करते थे। भर भर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो जंक्शन के अक्रॉस मूव करना चालू कर देते थे। अब यहाँ पर जो जंक्शन हमारे पास में है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है, उसमें एक तरफ मेजॉरिटी होल्स है वो तो पहुंच जाएंगे बेस के अंदर, बट बेस के अंदर बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई बेस के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत कम है क्योंकि बेस को हमने बहुत लाइट डोप करा था, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स ही इधर पहुंचेंगे, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही आपस में एक दूसरे से रिकम्बाइन हो पाएंगे। तो मैक्सिमम होल्स जो कि एमिटर से बेस के अंदर पहुंच रहे हैं वो अनस्वैम्ड रह जाएंगे, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन नहीं करेंगे। और जब होल्स एन टाइप बेस के अंदर पहुंच गए तो एन टाइप बेस के अंदर होल्स एज माइनॉरिटी कैरियर बिहेव करने चाहिए, ठीक है ना? हालांकि वो बहुत अधिक संख्या में पहुंचे हैं। अब दूसरा वाला जो जंक्शन है उसको आपने रिवर्स बायस्ड कर रखा है। अब आपको याद होगा रिवर्स बायस के केस में हमारा पोटेंशियल बैरियर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इनफैक्ट मैंने आपको क्लियरली बताया था कि रिवर्स बायस या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रिफ्टिंग को सपोर्ट करती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करती है। तो जो बेस के अंदर होल्स आए हैं एमिटर से, जो कि बेस के अंदर एज माइनॉरिटी कैरियर बिहेव कर रहे हैं, उनको तुरंत
आपके कलेक्टर के अंदर पहुंचा दिया जाएगा बिकॉज ऑफ रिवर्स बायस्ड अप्लाइड एट कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अब यहां पर आपको यह पता चल गया कि यार ट्रांजिस्टर के अंदर बेसिकली चमत्कार क्या हो रहा है। देखो बहुत अच्छे से समझना है इसको, है ना, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या चमत्कार हो रहे हैं। यहां पे आपकी एक करंट थी आईई जो एमिटर के अंदर फ्लो हो रही थी। इसके सामने आपने दो रास्ते रखे, एक रास्ता आपने रखा ये वाला और एक रास्ता रखा आपने ये वाला, ये कलेक्टर की तरफ जाता है और ये बेस की तरफ जाता है। अब ये जो एमिटर से कलेक्टर की तरफ जो रास्ता जाता है, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई है। इसका जो रेजिस्टेंस है क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो ये बहुत ही ज्यादा हाई है, और ये वाला जो रास्ता है इसका रेजिस्टेंस बहुत लो है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो हमें पता है कि आर आर जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एफ। तो अब आपके करंट के सामने आपने दो रास्ते रखे, एक तरफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है एक तरफ बहुत कम रेजिस्टेंस है। नॉर्मल कंडीशंस में करंट किस रास्ते को फॉलो करता? ऑब्वियसली उस रास्ते को फॉलो करता जिस तरफ रेजिस्टेंस कम है। अगर आप इस तरीके का जंक्शन नॉर्मल कंडक्टर्स को यूज करके बनाते तो ऑब्वियसली करंट जो है वो आपका उस रास्ते पर जाता जिस रास्ते पर कम रेजिस्टेंस है, मतलब बेस की तरफ जाता। जबकि ट्रांजिस्टर में आपने क्या देखा, जस्ट उल्टा काम होते हुए देखा। आपने देखा कि लगभग इतना का इतना ही करंट जो है वो कहां पहुंच जाता है, कलेक्टर की तरफ पहुंच जाता है। अनस्वैम्ड होल्स जो है वो एज इट इज कहां पहुंच जाते हैं, कलेक्टर की तरफ। और इधर की तरफ जो जाता है पोर्शन, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कितना होता है, जीरो होता है। बिल्कुल उल्टा काम, आपने एक तरीके से करंट को लोअर रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर जाने की बजाय हायर रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर ट्रांसफर कर दिया। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। कहां से आया है इसका नाम, इसका नाम आया है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। तो आपने बेसिकली ट्रांजिस्टर बना लिया, आपने बेसिकली क्या बना लिया, ट्रांजिस्टर बना लिया जो कि करंट को एज इट इज रखते हुए हायर रेजिस्टेंस पर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। अब आपका करंट तो सेम रहा और रेजिस्टेंस आपने हायर रेजिस्टेंस की तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो जो वोल्टेज होगा वो होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो आपका वोल्टेज जो है वो कई मैनीफोल्ड टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको एज एन एम्पलीफायर यूज किया जा सकता है। कुछ बातें हमें यहां से और क्लियरली दिख गई। पहला तो हमें ये दिख गया कि ट्रांजिस्टर भले ही कैसा हो भी हो, अभी हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते तो मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाते, करंट जो है उनकी डायरेक्शंस रिवर्स हो जाती और बैटरीज जो है उनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती। तो आपको नया सर्किट याद रखने की जरूरत नहीं है, पीएनपी के लिए सर्किट याद रख लो। आपको जस्ट केवल और केवल एनपीएन का सर्किट बनाते टाइम पे करंट्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना है और बैटरीज की पोलैरिटी को रिवर्स करना है, और कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आईई जो होता है वो हमेशा आईबी प्लस आईसी के इक्वल होता है। दूसरा जो आईई है वो लगभग आईसी के बराबर होता है, और तीसरा आईबी जो होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। ये तीन बातें हमें पता पड़ गई ट्रांजिस्टर के मेन वर्किंग को देखते हुए। अब देखना इन तीनों का साथ अपना कितने लंबे टाइम तक रहेगा। सो इसलिए इसका नाम पड़ा ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, है ना। तो अब हमारे लिए ये भी चीज क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मेन फैक्टर की, जो कि कहलाता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कि आपके ट्रांजिस्टर ने बेसिकली, हम तो मुद्दे की बात करते हैं कि कितना एम्पलीफाई कर दिया करंट को। करंट को एम्पलीफाई करेगा तो वोल्टेज एम्पलीफाई हो जाएगा, वोल्टेज एम्पलीफाई होगा तो पावर एम्पलीफिकेशन होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये अपन बात कर लेते हैं। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मतलब होता है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इस रेशियो को अपन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं। तो हम ट्रांजिस्टर को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे पिछला जो सर्किट हमने देखा था उसमें हमारा बेस कॉमन था,
तो उसको कहते थे अपन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। उसमें जो इनपुट साइड पे करंट था वो था हमारा एमिटर करंट, और आउटपुट साइड पर जो करंट था वो था हमारा कलेक्टर करंट। तो एमिटर करंट को कलेक्टर करंट को आउटपुट करंट को अगर आप एमिटर करंट से डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो मिलेगा वो कहलाएगा आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। अगर आपकी डायरेक्ट करंट है तो आप डायरेक्ट आईसी को आईई से डिवाइड कर सकते हो, और अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट वाला सिनेरियो देख रहे हो तो आपको चेंज इन आईसी को चेंज इन आईई से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में करंट आपकी चेंज होती रहती है, ऐसे कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना पकड़ के बैठ सकते हो। तो फिर आप चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट करंट के रेशियो को करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलोगे। आपको पता है कि जो आईसी है वो आईई के लगभग बराबर होती है, लगभग बोल रहे हैं, होगी तो थोड़ी कम ही होगी। तो हमें पता है कि आईसी जो है इट इज स्लाइटली लेस देन आईई, स्लाइटली लेस देन आईई, इसका मतलब हमारा अल्फा जो है वो स्लाइटली लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू 0.9, 0.95, 0.98 इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम एमिटर को क्या रखते हैं, कॉमन रखते हैं। अभी आप देखोगे इसका सर्किट, तो एमिटर को तो आपने बना दिया कॉमन, तो अब इनपुट करंट बन जाएगा आपका आई बी और आउटपुट करंट बन जाएगा आपका आई सी, तो बीटा हो जाएगा आपका IC डिवाइडेड बाय IB या फिर चेंज इन IC डिवाइडेड बाय चेंज इन IB, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट वाली कंडीशन लेते हो तो, है ना। क्योंकि आपका IC IB के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, IB तो लगभग नेग्लिजिबल ही होता है ना, इसीलिए बीटा की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, लगभग 999, 995 ऐसी इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन, और उन दोनों के लिए हमने करंट एम्पलीफिकेशन को डिफाइन किया है। आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कि बताओ अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी जो मेन इक्वेशन है वो ये है कि आई ई जो होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आई सी प्लस आई बी के इक्वल होना चाहिए। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, आई सी से, तो मैंने आई सी से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर आ जाएगा आई बी डिवाइडेड बाय आई सी। अब मुझे पता है कि मेरा जो आई सी डिवाइडेड बाय आई ई है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, आई ई डिवाइडेड बाय आई सी के इक्वल हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मेरा आई सी डिवाइडेड बाय आई बी जो होता है वो बीटा के इक्वल होता है, यानी कि उल्टा, मतलब आई बी डिवाइडेड बाय आई सी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमें ऊपर चाहिए थी इक्वेशन के अंदर, तो हम इन दोनों को पुट कर देंगे, ये वाली चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे और ये वाली चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे। चलो रखो, तो रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका मतलब 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो अगर कभी आपको बीटा दिया हुआ हो और आपको अल्फा निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, या कह लो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, या कह लो बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर कभी आपको अल्फा दिया जाए और आपको बीटा की ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। ये डेरिवेशन हो सकता है आपसे बोर्ड में पूछ ली जाए, तो उस पर्पस से मैंने यहाँ पर आपको ये करवाई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ट्रांजिस्टर का बिहेवियर एट डिफरेंट वोल्टेज, ट्रांजिस्टर किस किस तरीके से बिहेव करेगा। तो हम बिहेवियर को नॉर्मली ग्राफ्स की फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है ग्राफ। अब यहाँ पर दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी, इनपुट साइड पे कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, इनपुट साइड पे ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कैसा है, और आउटपुट साइड पर ट्रांजिस्टर का बिहेवियर कैसा है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर को सेटअप करना पड़ेगा, मतलब हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस लगानी पड़ेगी। तो हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है ये पहचानना कि मैं क्यों इसको NPN ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, है ना। सिंबल देखो और पहचानो कि क्यों मैंने इसको NPN ट्रांजिस्टर बोला है, ठीक है। मैंने बेस और एमिटर के बीच में एक बैटरी लगाई है क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा P है, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कराया है,
ये वाला हिस्सा एन है, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है, मतलब मैंने ट्राई किया है कि ये एक्टिव स्टेट के अंदर रहे, है ना। ऐसे ही कलेक्टर को मैंने एक रेजिस्टेंस के थ्रू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। अब मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस के अंदर रहना चाहिए। अब कलेक्टर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, कलेक्टर एन टाइप है तो एन टाइप हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए, मतलब कलेक्टर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, कलेक्टर से जो आपने बैटरी कनेक्ट करी है वो बेस से जो बैटरी कनेक्ट करी है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वोल्ट वाली होनी चाहिए, तब आप इंश्योर कर सकते हो कि आपका कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा और ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव स्टेट में रहेगा। तो इस लिहाज से हम ये सर्किट बनाते हैं ना। ऑब्वियसली ये तो दिखे गया होगा कि हमारा एमिटर जो है वो कॉमन है यहाँ पर। अब इनपुट साइड में कितनी करंट जा रही है ये मेजर करने के लिए हमने एक एमिटर लगा दिया, माइक्रो एमिटर है। क्यों? क्योंकि हम आईबी को मेजर कर रहे हैं जो कि बहुत कम वैल्यू की करंट होती है, और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बेस और एमिटर के अक्रॉस, उसको मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि बेस और एमिटर के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप को हमें मेजर करके देता है ना। ऐसे ही हमारे आउटपुट साइड में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करने के लिए हमने एक एमिटर लगा दिया, दैट इज मिली एमिटर, क्योंकि आईसी जो है वो लगभग मिली एम्पियर के रेंज में होती है, और कलेक्टर और एमिटर के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो कि हमें कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस पैदा होने वाला वोल्टेज वीसी मेजर करके देता है। तो ये हमारा सर्किट का सेटअप हो गया। तो हम चार चीजें मेजर कर रहे हैं, हम इनपुट करंट मेजर कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, हम आउटपुट करंट मेजर कर रहे हैं एंड आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो हमारे दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक को अपन बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन आई बी एंड वी बी, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। एट कॉन्स्टेंट आउटपुट वोल्टेज, हम आउटपुट वोल्टेज को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कांस्टेंट बनाए रखें। अब ये कैरेक्टरिस्टिक, ये ग्राफ आएगा कैसा, ये हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो, इनपुट साइड पे जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर है, और फॉरवर्ड बायस में डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी हुई है कैसी होती थी, कि जब तक आपका पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के इक्वल नहीं हो जाता, जैसे सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस जो होती है उसके लिए बैरियर पोटेंशियल होता है 0.6 वोल्ट, तो जब तक 0.6 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक आपका बैरियर पोटेंशियल आपने ब्रेक नहीं किया, तब तक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करना चालू नहीं करेंगे, यानी कि तब तक आपको करंट जीरो मिलेगी। एंड द मोमेंट आप जैसे ही पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक कर दोगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे जंक्शन के अक्रॉस, और आपको एक अच्छे खासे अमाउंट के अंदर करंट जो है वो मिलना चालू हो जाएगी, नॉर्मली कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहां पर हम जो आउटपुट वोल्टेज है ना, अगर उसको बढ़ा भी देंगे तो उसका असर किस पर पड़ेगा, भाई आपके बहुत सारे होल्स जो हैं वो बेस के अंदर पहुंच रहे थे और बेस में बहुत कम रिकम्बाइन हो रहे थे, वो एज इट इज कहां पर पहुंच जा रहे थे, कलेक्टर के अंदर। तो आप कलेक्टर की जो रिवर्स बायस है उसको बढ़ा भी दोगे तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो होल्स जनरेशन का काम है वो एमिटर से हो रहा है, ठीक है। वो एमिटर और बेस के अक्रॉस जो आपने पोटेंशियल लगाया है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एमिटर के अंदर करंट जा रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप नोटिस करोगे कि आउटपुट वोल्टेज का इनपुट करंट के ऊपर कोई खास सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर आप मान लो वीसी इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर भी ये ग्राफ बनाते तो भी आपको लगभग सिमिलर ग्राफ मिलता, ये हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी। और बात करें हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नथिंग बट इट इज ग्राफ बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, मतलब आईसी और वीसी के बीच का जो ग्राफ है वो क्या कहलाता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। एट कॉन्स्टेंट इनपुट करंट, हम इनपुट करंट को कॉन्स्टेंट रखते हुए ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ आएगा कैसा वो तो हम आसानी से इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आउटपुट वाली साइड जो है वो रिवर्स्ड बायस्ड है, काइंड ऑफ रिवर्स्ड बायस है। वैसे तो कलेक्टर और एमिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं बनता, बट हाँ फिर भी हम उसका बिहेवियर जो है वो नोट कर सकते हैं, वो रिवर्स बायस जैसा होगा। या फिर आप बिल्कुल थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, कि बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो एमिटर से बेस के अंदर एंटर करते हैं, और बेस के अंदर बहुत कम मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो रिकम्बाइन होते हैं, अनस्वैम्ड रह जाते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे, और वो एज इट इज कहाँ पर पहुँच जाते हैं, कलेक्टर के अंदर पहुँच जाते हैं।
तो जितने भी मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो ऑलरेडी कहां पर पहुंच रहे हैं, कलेक्टर के अंदर पहुंच रहे हैं, ऑलरेडी वो कलेक्टर करंट के अंदर अपना पार्टिसिपेशन शो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका करंट जो है वो कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो वीसी के बढ़ाने का करंट के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ अगर आप इनपुट करंट बढ़ा दोगे, अब इनपुट करंट कैसे बढ़ेगा, जब आपने इनपुट साइड का वोल्टेज बढ़ाया है तभी तो बढ़ेगा। अभी अभी हमने देखी थी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और इनपुट करंट बढ़ने का मतलब है कि अब और ज्यादा मेजोरिटी कैरियर्स जो है वो बेस के अंदर पहुंच रहे हैं, यानी कि और ज्यादा मेजोरिटी कैरियर्स कलेक्टर के अंदर कलेक्ट होंगे, यानी कि आपकी और ज्यादा करंट आपको फ्लो होते हुए नजर आएगी। तो आप जब आईबी को बढ़ा देते हो, जैसे 10 से 20 कर दिया, तो ग्राफ तो हमारा लगभग कांस्टेंट ही रहता है, बट वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और बढ़ाओ देंगे और ऊपर शिफ्ट, और बढ़ाओगे और ऊपर शिफ्ट, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर 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 शिफ्ट करता चला जाता है। आईबी का ये इफेक्ट पड़ता है। तो आईबी के बढ़ाने से आईसी बढ़ती है, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। वीसी का आईबी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वीसी का आईसी पर भी आप देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आईसी पर फर्क किसका पड़ रहा है, आईबी का। ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीज हो रही है, और इन्हीं दोनों का जो रेशियो है वही तो अपनों ने क्या डिफाइन किया था, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया, ठीक है ना। तो ये हमने इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली, जो कि बोर्ड्स के अंदर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, एक्सप्लेनेशन पूछ लिया जाता है और ये ग्राफ पूछ लिया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ग्राफ आपके सामने है, ठीक है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की एज एन एम्पलीफायर कैसे उपयोगिता है, मतलब एज एन एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर को किस तरीके से यूज किया जाता है। कोई नया सर्किट याद करने की जरूरत नहीं है, वही एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारा, उसको वही कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने कनेक्ट किया है ना। इसके अंदर बस केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी इनपुट साइड है, ये जो इनपुट साइड है ठीक है, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगी, और ये जो आउटपुट साइड है यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। कैसी इक्वेशन मिलेगी, देखो इनपुट साइड वाली इक्वेशन बनाते हैं। तो हमारा जो वी आई है, जो इनपुट वोल्टेज है ठीक है, जो कि हमने वी बी बी के ऊपर सुपर इम्पोज करवाया है ना, तो वी बी बी लिखने की जरूरत नहीं है, वी बी बी ऑलरेडी इंक्लूड हो गया इसके अंदर। तो वो किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसमें से ड्रॉप हो जा रहा है आर बी के अक्रॉस, और बाकी चला जा रहा है किसके अक्रॉस, वी बी ई के अक्रॉस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आउटपुट साइड की इक्वेशन देखें, तो हमारा जो वी ओ है ठीक है, तो करंट जो है वो हमारी कहाँ से निकल रही है, वी सी सी से निकल रही है ठीक है। तो हम लिखेंगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे आई सी आर सी माइनस वी सी सी माइनस वी सी सी। और ये जो वी ओ है ना, यही आप नोटिस करोगे वी सी के इक्वल है। नोटिस करो भाई, ये हमारा सी है और ये हमारा ई है, तो ये भी तो आपने इसके अक्रॉस ही अप्लाई किया है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली किसके इक्वल है, हमारे वी सी ई के इक्वल है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारी जो इनपुट करंट है वो कितनी चेंज हो रही है। वी बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी बी जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस के लिए वीबी की वैल्यू 0.6 होती है, और अगर आप आउटपुट साइड पर सेम काम करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो माइनस वीसीसी था, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉरी मैंने यहां पर थोड़ी सी इक्वेशन जो है अपने प्लस माइनस का उल्टा काम कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज करो, हमारी इक्वेशन बनेगी वी ओ इज इक्वल टू माइनस आई सी आर सी। जब अपन यहां पर रखेंगे तो प्लस आई सी आर सी आएगा, बट इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस आई सी आर सी एंड प्लस वी सी सी, इस तरीके से वी सी सी माइनस आई सी आर सी हो जाएगा, और इसी को अपन वी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब अपन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा वी ओ आर सी तो कांस्टेंट रहेगा, नेगेटिव साइड भी आ जाएगा डेल्टा आई सी, और वी सी सी जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। भाई ये तो बैटरी है ना, हमने अप्लाई करी, ये तो चेंज होगा नहीं। तो आपका जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, मतलब माइनस आर सी टाइम्स डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय आर बी टाइम्स डेल्टा आई बी। अब माइनस आर सी डिवाइडेड बाय आर बी तो ठीक है, बट डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी किसके इक्वल होता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर के इक्वल होता है।
ये जो नेगेटिव साइन है ये किसको डिनोट करता है? ये पाई फेज शिफ्ट को डिनोट करता है। अब पाई फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान देना कि ये हमारा इनपुट सिग्नल है, ऐसा हमारा इनपुट सिग्नल है, पहले पॉजिटिव साइकिल है एंड फिर नेगेटिव साइकिल है, और ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ठीक है। अब आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई होगा, मतलब इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो तो हमें पता पड़ गया। कितने टाइम्स एम्पलीफाई होगा वो भी हमें पता पड़ गया, बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर बी। बीटा भी वेरी वेरी ग्रेटर देन वन होता है और आर सी भी वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बी होता है, तो ओवरऑल आपका ये जो रेशियो होगा ये काफ़ी बड़ा होगा वन से, तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाएगा। साथ ही साथ में पाए फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि इधर पहला साइकिल पॉजिटिव था तो इधर पहला साइकिल कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो देखो पहला साइकिल नेगेटिव आया एंड फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो इसको अपन बोलते हैं पाए फेज शिफ्टेड सिग्नल, पाए फेज शिफ्टेड सिग्नल, ठीक है। शुद्ध देसी लैंग्वेज में कहो तो अगर इनपुट सिग्नल की शुरुआत पॉजिटिव साइकिल से हो रही है तो आउटपुट सिग्नल की शुरुआत किससे होगी? नेगेटिव साइकिल से होगी। ये होता है पाई फेज शिफ्ट होने का मतलब, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रख लेनी है, जैसे हमारा करंट एम्पलीफिकेशन तो बीटा होता है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, उसको ए आई बी लिखते हैं। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन ने अभी अभी देखा था, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज, यानी कि माइनस आर सी डेल्टा आई सी एंड आर बी डेल्टा आई बी, यानी कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि अभी अभी हमने देखा था। पावर एम्पलीफिकेशन जो होता है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, यानी कि आउटपुट वोल्टेज गेन और मतलब वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन, भाई पावर जो होता है वो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट होता है ना, तो पावर गेन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन के इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों की वैल्यू रखोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला आपको तैयार मिलेगा, माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाय आर बी। तो ये फॉर्मूला जो है ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने में काम में आएंगे आपके, डायरेक्ट, कोई इफ कोई बट लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, आप देखोगे कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आउटपुट सिग्नल जो होता है वो हमेशा पाए फेज शिफ्टेड होता है, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये हमारे कुछ खास खास पॉइंट हो गए जो कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जब यूज किया जाता है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और थ्योरी के लिए भी। नाउ लास्ट टॉपिक, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सर्किट हमारा ऑलमोस्ट सेम है, बस वहां पर इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो थे वो ऑल्टरनेटिंग सिग्नल थे, यहां पर इनपुट और आउटपुट जो सिग्नल्स है वो नॉर्मली डायरेक्ट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है ना। हम स्विच बनाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से आप ऑपरेट करो तो वो करंट के फ्लो को ब्लॉक कर दे और दूसरे तरीके से ऑपरेट करो तो करंट के फ्लो को अलाउ कर दे। वैसे हम डायोड से ऑलरेडी स्विच बना चुके हैं बट यहाँ पे ट्रांजिस्टर से बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो सेम सर्किट है हमारा। अब यहाँ पर इक्वेशंस भी हमारी सेम बनेगी, जैसे इनपुट साइड पर तुम इक्वेशन बनाओगे तो वो हो जाएगी वी आई, ठीक है, ये हो जाएगी वी आई इज इक्वल्स टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई। तो इसका मतलब आई बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वी आई माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय आर बी। तो जब तक आपका वी आई ग्रेटर देन वी बी यानी कि ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक आपका आई बी कितना रहेगा? जीरो रहेगा, नेगेटिव रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है ना, जीरो रहेगा। इसका मतलब आई सी जो होता है वो बीटा टाइम्स आई बी होता है, वो भी जीरो रहेगा। इसका मतलब आपका ओवरऑल जो ट्रांजिस्टर है वो किस स्टेज के अंदर है? वो कट ऑफ स्टेट के अंदर है। अब जब कट ऑफ स्टेट के अंदर है तो अभी अभी हमने आउटपुट के लिए जो देखा था वो ये था कि वी ओ जो हुआ करता था वो किसके इक्वल हुआ करता था? वी सी सी माइनस आई सी आर सी। और अगर आई सी जीरो हो गया तो वी ओ ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा? वी सी सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब जब आपका इनपुट वोल्टेज इतना कम हो कि उसकी वैल्यू वी बी से भी कम है, 0.6 वोल्ट से भी कम है, तो ट्रांजिस्टर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होता और आउटपुट साइड पर आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है। तो आउटपुट साइड पर आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। तो देखो ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, द ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक,
है ना। अभी तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी थी उसमें एक तरफ करंट था, एक तरफ वोल्टेज था। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में एक तरफ, दोनों ही तरफ क्या है, वोल्टेज है, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा ये वाला पोर्शन कि जब हमारा इनपुट वोल्टेज बहुत कम है तो आउटपुट वोल्टेज हमें काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, VCC होती है। फिर इस इक्वेशन को देखो कि जब आप VI को बढ़ाओगे तो धीरे धीरे आपका I भी बढ़ेगा, अगर आपका आई भी बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका आई सी बढ़ेगा, अगर आपका आई सी बढ़ेगा तो ये वाली टर्म बढ़ेगी, ये वाली टर्म बढ़ेगी तो ये वाला डिफरेंस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी कि आपका आउटपुट वोल्टेज धीरे 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 कम होता चला जाएगा। और जब आपकी करंट मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज वापस से कॉन्स्टेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू नियरली जीरो होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना जिसमें आपका आउटपुट वोल्टेज तेजी से गिर रहा है, ये तो एक्टिव रीजन को डिनोट करता है। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर कभी एक्टिव रीजन में आए ही नहीं। अगर एक्टिव रीजन में नहीं आएगा तो या तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में होगा या फिर वो फुल करंट फ्लो करेगा सेचुरेशन रीजन में होगा, और दोनों के बीच में वो क्या कर सकता है, स्विच कर सकता है। दैट्स ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसी को अपन बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर किस की तरह बिहेव कर रहा है, एज अ स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप बहुत कम इनपुट दे रहे हो तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम मिल रहा है, करंट जीरो है, और अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो करंट आपकी मैक्सिमम है बट आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आप आउटपुट वोल्टेज को स्विच कर पा रहे हो, बहुत हाई से बहुत लो आसानी से क्या कर पा रहे हो, स्विच कर पा रहे हो। ये उल्टा काम कर रहा है, इनपुट वोल्टेज लो है तो आउटपुट वोल्टेज हाई है, जब इनपुट वोल्टेज हाई है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, लो है। तो आप अभी आगे जाके जब लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर एक गेट देखोगे जिसको अपन बोलते हैं इन्वर्टर या नॉट गेट। तो ये बेसिकली आपके नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। ये हिंट दे रहा हूँ आपको कि नॉट गेट कोई पूछे कैसे बनाया जाता है, तो इसी तरीके के ट्रांजिस्टर से, इसी तरीके के सर्किट से हमारा नॉट गेट बनाया जाता है। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है ना वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है एम्पलीफायर, द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। तो हमें क्या क्या दे दिया गया है, हमें VCC दे दिया गया एक तरीके से, कितना, 3 वोल्ट दे दिया गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर यानी कि RC दे दिया गया है 3 किलो ओम, किलो का मतलब हो गया 10^3 ओम, ठीक है। तो हम आसानी से IC निकाल सकते हैं। IC किसके इक्वल हो जाएगी, VCC डिवाइडेड बाय RC। तो VCC हमारा है 3 वोल्ट और RC हमारा 3 × 10^3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10^-3 या 10 mA कह सकते हो, ये आपकी कलेक्टर करंट होगी, ठीक है, नॉट 10 mA, 1 mA, ठीक है ना। 10^-3 का मतलब होता है मिली, तो ये 1 mA आपकी करंट होगी। अब आपसे पूछा गया कि इफ करंट गेन इज 100 तो हमें बीटा कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। देखो बीटा ग्रेटर देन 1 है, करंट गेन जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आप समझ जाना कि हमें बीटा दे रखा है, अगर लेस देन 1 होता तो समझ जाना हमें अल्फा दे रखा है ना। और बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है IC डिवाइडेड बाय IB। IC अभी अभी हमने निकाला था कितना है, 1 mA डिवाइडेड बाय IB। तो यहां से हमें IB की वैल्यू मिल जाएगी 1 mA डिवाइडेड बाय 100, या आप यूं कह सकते हो 1 × 10^-3 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 10^-5 A। ये हमारी बेस करंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेस करंट हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास में बेस करंट आया और हमें बेस रेजिस्टेंस दे रखा है, RB दे रखा है, तो RB हमें कितना दे रखा है, 2 किलो ओम यानी कि 10^3 ओम। तो हम इनपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं, तो इनपुट वोल्टेज कितना हो जाता है हमारा, IB टाइम्स RB। IB हमने निकाला था 10^-5, RB हमने निकाला था 2 × 10^3, तो ये हो जाएगा सिंपली 2 × 10^-2। ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, है ना। और आउटपुट वोल्टेज अगर कोई हमसे पूछे तो वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट, तो हमारा जो वोल्टेज गेन है वो हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज दैट इज 3 वोल्ट VCC एंड इनपुट वोल्टेज दैट इज 2 × 10^-2। तो 3/2 करोगे तो 1.5 × 100 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 150, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा।
और हमारे पास में करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, तो हमारा जो पावर गेन होता है वो कितना होता है, वोल्टेज गेन मल्टीप्लाइड बाय करंट गेन। वोल्टेज गेन अभी अभी हमने निकाला था 150, और करंट गेन जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, तो हमारा पावर गेन आ जाएगा 15,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। अब अगर किसी को ये मेथड लंबा लग रहा है कि सर ने एक 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 चीज निकाली और फाइनल जाके आंसर आया, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो ऑल्टरनेट मेथड है वो क्या होगा कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करें। ए वी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव साइन एक बार के लिए हटा देना, बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाय आर वी। तो बीटा हमें कितना दे रखा है, बीटा हमें दे रखा है 100, आर सी हमें कितना दे रखा है 3 किलो ओम, है ना, और आर बी हमें कितना दे रखा है 2 किलो ओम। तो यहां से भी जब आप सॉल्व करोगे 3/2 करोगे 1.5, ये आ जाएगा आपका 150। एंड पावर गेन जो है वो आप निकाल सकते हो ए वी मल्टीप्लाइड बाय ए आई, यानी कि 150 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 15,000। तो आपको कोई आई भी निकालने की जरूरत नहीं है, कोई इनपुट वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके से इसलिए करवाया ताकि आपको ये सर्किट की फील आने लग जाए एक बार के लिए, ठीक है ना, कि हाँ सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन अ कॉमन एमिटर कॉन्फिग्रेशन, ऑब्वियसली कॉमन एमिटर ही पूछा जाएगा आपके सिलेबस में, वही है। लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 0.8। तो हमें एक तरीके से क्या मिल गया, वी सी मिल गया 0.8 वोल्ट, और आर सी मिल गया हमें दैट इज 800 ओम। तो हम चाहें तो आसानी से आई सी निकाल सकते हैं। अभी एक बार देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.96, अब नोटिस करो हमारा ये जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो लेस देन 1 है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, हमें एल्फा दिया हुआ है 0.96। एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, यानी कि हमें आर बी दे रखा है 192 ओम। द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर, कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट बीटा दे रखा था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया गया है, हमें क्या दिया हुआ है एल्फा। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि वो लेस देन 1 है। तो हम सबसे पहले एल्फा से क्या निकालेंगे, बीटा निकालेंगे। तो बीटा किसके इक्वल हुआ करता था, एल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा, यानी कि 0.96 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.96, दैट इज 0.96 डिवाइडेड बाय 0.04। तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 टाइम्स गया, 1 बचेगा, 24 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 24 आई है। अब आप आसानी से वोल्टेज गेन निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाय आर वी। बीटा आपने निकाल लिया 24, आर सी आपको दे रखा है कितना 800, और आर बी आपको दे रखा है कितना 192, ठीक है। तो आई होप 24 से ही कैंसिल आउट हो जाना चाहिए हमारा ये 192, अगर नहीं होता तो 6 से कर लो एक बार के लिए, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 1 गया 2, ये 4 से 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, 8 से ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो हमारा वोल्टेज गेन जो है वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा 100। ओके, द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर विल रिस्पेक्टिवली बी इज। चलो एक बार के लिए करते हैं। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, हमें पावर गेन निकालना है। तो हमारा पावर गेन जो होगा वो कितना हो जाएगा, हमने आर सी डिवाइडेड बाय आर बी सही किया है, ठीक है। अच्छा एक बार पावर गेन भी निकाल लेते हैं, पावर गेन कितना होगा हमारा, वो हो जाएगा बीटा स्क्वायर टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाय आर बी। तो बीटा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। आर सी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 800, और ये हो जाएगा आपका 192। तो 8 × 4 = 32, 3 आ जाएगा 16, और 3 तो ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हैं, इससे ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये करोगे तो 2400 आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आपका आंसर आएगा 100 एंड 2400। अब देखो प्रॉपर तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसका आंसर
क्योंकि हमें क्लियरली मेंशन कर रहेगा कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है और हमारा करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर हमें लेस देन वन दे रखा है, तो पहले हमें बीटा निकालना है। तो यही आंसर करेक्ट है, ठीक है ना? यही आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है? इसमें जो आंसर दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। आपके ऑप्शंस क्या होने चाहिए? 100 एंड 20, 400। एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक ना हो, ठीक है ना? बाकी हमारा तरीका जो है वो बिल्कुल सही है। हमें हमारे कंसेप्ट से कभी भी समझौता नहीं करना, भले ही वो आंसर में हो या ना हो, ठीक है ना? ये एक बार मैं देख लूंगा, शायद आंसर्स जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो हमें दे रखा है इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज 100 ओम, बेस करंट जो है इट इज चेंज्ड बाय 40 माइक्रो एम्पियर विच रिजल्ट्स इन अ चेंज इन कलेक्टर करंट बाय 2 मिली एम्पियर। तो हमें क्या क्या दे दिया? हमें डेल्टा आई बी दे दिया, कितना? 40 माइक्रो 10^-6 एम्पियर। और हमें डेल्टा आई सी दे दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 मिली, यानी कि 10^-3 एम्पियर, ठीक है? इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, मतलब हमें आर बी दे रखा है 100 ओम, है ना? दिस ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विथ अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 4 किलो ओम। लोड रेजिस्टेंस का मतलब होता है आरसी, वो हमें दे रखा है 4 किलो 10^3 ओम, ठीक है? इतना हमें लोड रेजिस्टेंस दे रखा है। द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज, तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है बीटा टाइम्स आरसी डिवाइडेड बाय आरबी। आरसी हमारे पास में है, आरबी हमारे पास में, बीटा हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बीटा निकालेंगे, तो बीटा की वैल्यू होती है डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा आई सी कितना है हमारा? 2 × 10^-3, और डेल्टा आई बी कितना है? 4 × 10^-6। तो ये हो जाएगा 1 / 2 × 10^3, ठीक है? मतलब 1000 / 2, दैट इज़ 500। तो हमारा वोल्टेज गेन होता है बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाई आर बी। तो बीटा हमने निकाला 500, आर सी हमें दे रखा है 4 × 10^3, और आर बी हमें दे रखा है 100। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 20 × 10^3, या अगेन थोड़ा सा मुझे आंसर के अंदर मिस्टेक नज़र आ रही है, 40, सॉरी सॉरी, ये 40 था, है ना? यहाँ पर इसको करेक्ट करो, तो ये 40 हो गया। तो ये 2 / 10^-5 ऊपर जाएगा, +5 हो जाएगा, 10^2 आएगा यहाँ पर, यानी कि ये आएगा 50, है ना? थोड़ी सी स्लाइट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मेरे से, तो यहाँ पर करो 50, ठीक है? तो ये अब आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, 5 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 10^3 करोगे तो 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ट्रांजिस्टर के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपके सामने सबूत है कि वो कितने आसान होते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बस आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ दी हुई है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियल सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हमें वी सी दिया हुआ है 2 वोल्ट, हमें आर सी दिया हुआ है 2 किलो ओम, ठीक है? इफ द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, आर बी हमें दे दिया गया है कितना? 1 किलो ओम, ठीक है? द करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, यानी कि बीटा हमें दे रखा है दैट इज 100। द इनपुट सिग्नल वोल्टेजेस, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम वोल्टेज गेन निकालेंगे, जो कि बीटा टाइम्स आर सी डिवाइडेड बाय आर बी के इक्वल होता है। बीटा है हमारा 100, आर सी है हमारा 2 × 10^3, और आर बी है 1 × 10^3, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 200। और एक जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन का, वो होता है आपका आउटपुट वोल्टेज दैट इज 2 वोल्ट, और इनपुट वोल्टेज हमें निकालना है, और ये हमने वैल्यू निकाली है 200। तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा हमारा 2 / 200, 1 / 100, यानी कि 1 × 10^-2। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 10 × 10^-3 या 10 mV भी लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, वीसी हमें दे दिया गया है, चेंज इन बेस करंट ये दे दिया गया है ना, प्रोड्यूसेस अ चेंज इन कलेक्टर करंट ये दे दिया गया है। तो हमारा जो डेटा है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि चेंज इन बेस करंट जो है, तो 100 थी 200 हो गए, तो चेंज कितना हुआ 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ऐसे चेंज इन कलेक्टर करंट कितना दे रखा है, पहले 5 मिली एम्पियर थी, फिर 10 हो गई, तो कितना हो गया 5 मिली एम्पियर का चेंज हो गया। तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बीटा निकाल सकते हैं। बीटा कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी, यानी कि 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। तो 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 करोगे वो 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 बचेगा, ऊपर आएगा तो 10 रेज़ टू पावर प्लस 4, 10 रेज़ टू पावर प्लस 4 में से माइनस 3 गए तो 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो आपका करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखो थोड़ा सा इनोवेटिव क्वेश्चन है, इनपुट सिग्नल गिवन टू अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन 150। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड देखो 2 है और हमारा वोल्टेज गेन कितना है 150। तो आउटपुट वोल्टेज का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 150 टाइम्स 2 यानी कि 300 होना चाहिए। तो इसमें भी 300 है, इसमें भी 300 है, ये दोनों हमारे वैसे ही क्या हो गए, गलत हो गए। फिर आगे देखते हैं, cos 50t plus pi by 3 है, द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल विल बी। तो हमने देखा था कि एम्पलीफायर में जो आउटपुट सिग्नल होता है वो पाई फेज शिफ्टेड होता है, तो हमारा आउटपुट सिग्नल जो होगा वो हो जाएगा 2 cos 15t plus pi by 3, ठीक है। फेज शिफ्ट अपन दिखाते हैं, तो फेज शिफ्ट हो जाता है प्लस पाई टाइम्स हमारा वोल्टेज गेन दैट इज AV, वो हमें दे रखा है 150। तो हमारा VO जो हो जाएगा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, एंड cos pi प्लस समथिंग जो होता है वो कितना होता है, या तो नेगेटिव cos लिखो या फिर इसके अंदर ओवरऑल आप एंगल ही लिख दो, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है वो यहीं से आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 4 pi डिवाइडेड बाय 3। कौन सा वाला ऑप्शन आपको करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन ए आपको करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो सिंपल सा दिमाग लगाना है यार, मतलब बहुत आसान सा दिमाग है कि हमें पाई फेज शिफ्ट जो है वो जनरेट करनी है, बोलो उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलो ये लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है ना। कॉमन एमिटर सर्किट इज यूज एज एन एम्पलीफायर, इट्स करंट गेन इज 50, इनपुट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, इनपुट वोल्टेज इज 5 वोल्ट, देन आउटपुट करंट विल बी। तो जो जो दिया गया है उसी को अपन लेके चलते हैं। तो हमारा करंट गेन हमें कितना दे रखा है 50, इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आरबी हमें दे रखा है 1 किलो ओम है ना, और इनपुट वोल्टेज है ना वीबी हमें दे रखा है कितना 5 वोल्ट। तो इनपुट करंट जो होगी वो हमारी हो जाएगी कितनी, वीबी डिवाइडेड बाय आरबी, तो वीबी हमें दे रखा है 5, आरबी हमें दे रखा है 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो आईबी की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एम्पियर। अब बीटा यानी कि 50 ये किसके इक्वल होता है, आई सी डिवाइडेड बाय आईबी के इक्वल होता है ना। तो यहां से हमें आईसी की वैल्यू मिल जाएगी 50 टाइम्स आईबी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। और जैसे हमारे पास में आईसी आ गया, ये तो निकालना था हमें 250 इंटू, और इसको अपन लिख सकते हैं 250 मिली एम्पियर, मुझे लगा कुछ और निकालना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यार ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मतलब केवल और केवल आपको एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आज हमारा 17th डे है, तो अब तक तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 17 दिनों के अंदर पूरी की पूरी सेकेंड बुक खत्म करी है, और जिसने पूरे के पूरे 17 वीडियो देखे हैं वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकता है। एक बार आप चेक करके देखो, मेरा जो ये दावा है ना इसको चेक करके देखो, इतना वाइड वैरायटी ऑफ जो न्यूमेरिकल्स है वो हम हमारे हर क्लास के अंदर लेते हैं, कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल कर सकते हो।
तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं, आई होप आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं मिरेकल सीरीज के, मिरेकल सीरीज जो आपके लिए बेनिफिशियल रह रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे मिरेकल सीरीज के नेक्स्ट डे के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।